संभल कर जा रही है, बहता हुआ पानी है। तभी तो बोल रहा हूँ साथ चलो, मैं बह गया तो फिर कौन बचाएगा मुझे। ज्यादा देर कोई इस पानी में रह लिया हाइपोथर्मिया हो जाएगा उसे। बहुत ठंडा है। तो अपन कहाँ से डुबकी लगाने वाले हैं? सही है, फाइंडिंग अ प्लेस जहाँ से डुबकी लगाना सेफ हो। बहुत तगड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए यार। कितना गहरा दिख रहा है तुम्हें? ये काफ़ी गहरा है। चलो ना फिर, पहली छलांग तुम्हारी। स्विमिंग पूल होता तो मैं धक्का देता था अब तक। भाई बहुत डर लग रहा है। 3, 2, 1 जय श्री। अरे भाई मैं एक काम करूं, मैं वहां से डुबकी लगाऊं। पत्थर दिख रहा है मुझे। कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कर लो। ओके गाइस, हम आ लिए, आप जा रहे हैं वापस। तो फटाफट मुझे निकलना है इसके लिए, वरना आपकी बस भी निकल जाएगी 4:30 बजे और अभी पता नहीं कितना टाइम होगा। ठीक है भाई रियान, मुझे अगली बार आपसे और बस आ गई हमारी और रुक जाए बस। ओके भाई, जीबी के लिए डायरेक्ट बस मिलती है क्या? पंजाब जाएगा। हाँ पंजाब तक जाएगी ना? हाँ कहाँ जाना आप? जीबी मिल जाएगा आपको 6 बजे। 6 बजे मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। तो अभी मैं हूँ जीबी में। सो आई बुक द वूपर्स हॉस्टल। वूपर्स आई डोंट नो इट्स हॉस्टल और नॉट, बट या इट्स बंक बेड है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली काम तो हॉस्टल का ही करेगा। बस ने जो है मुझे थोड़ा सा आगे उतार दिया, क्योंकि पता नहीं ना, मैंने लोकेट नहीं करा एक तो पहले, तो थोड़ा सा आगे निकल गया। थोड़ा पीछे है वो एक्चुअली, रिवर साइड जाके थोड़ा डाउन में है, जैसे वो था रिवर के बगल में। तो यहाँ से करीब 700 मीटर, 650 मीटर, 230 किलोमीटर, 230 किलोमीटर आगे से रास्ता है। बट यहाँ से मुझे दिख रहा है तो जो पीला सा दिख रहा है छोटा सा, डैट इज़ अस्टे यार। एक तो मेरे कान में से अभी तक पानी नहीं निकला यार, वाटरफॉल का, सॉरी रिवर का। मेरे कान में अभी भी पानी भरा हुआ है। ऐसा इस कान को बंद कर लूँ ना तो नॉइज़ कैंसिलेशन हो रहा है मेरे को। इन 200 मीटर्स योर डेस्टिनेशन विल बी ऑन द लेफ्ट। अंधेरा हो रहा है, गोप्रो की ताकतें कम हो रही हैं। रात में उसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं धूप के बिना। गोप्रो की शक्तियाँ जा चुकी हैं और हम अपने हॉस्टल के अंदर आ गए। मैं ज़्यादा देर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। रिसेप्शन पे। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो कल रात मेरा स्टे रहा यहाँ पे ऊपर हॉस्टल के अंदर, बट आई लिटरली स्लेप्ट नॉट अ सिंगल मिनट। मतलब रात में हमने बहुत मस्ती करी। यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स और रुके हुए हैं, तो वो मैं और टोटल मतलब आई गेस 9-10 में भी। आज का प्लान ये कि आज यहाँ से मैं जाने वाला हूँ शोजा, और शोजा में आज मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। बट दिस प्लेस इज़ रियली नाइस। ठीक है चलो, अब सोच रहा हूँ थोड़ा सो लूँ कुछ देर एंड देन यहाँ से चेकआउट करके शोजा की तरफ मूव करेंगे। सो गाइस इट्स टाइम टू लीव। मैं चलो चलता हूँ यहाँ से शोजा की तरफ। ठीक है, ये यहाँ का कॉमन एरिया है। ठीक है एंड दिस इज द गाय जिसे हमने रात में जगाया बहुत अच्छे तरीके से। हेलो। ठीक है चलो यार, है ना, चलता हूँ। ओके गाइस बाय बाय। बाय हैव फन। बाय बाय। ओके चलो। सो दीज आर द पीपल जो कल रुके थे साथ में, और एक बंदा और था वो चला गया। अभी कल रात में सोई नहीं ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है। रात की नींद नहीं हो पाई, सो वीकनेस है और थोड़ा हेडेक भी हल्का हल्का हो रहा है। ठीक है, और साला ये चढ़ान तो बहुत ज़्यादा फकअप हो गया मेरे साथ। मैं अपने कपड़े भूल गया यार नीचे सूखते हुए, उन्हें लेने के लिए वापस मुझे नीचे आना पड़ा। वापस मैं उस रास्ते से नहीं जा रहा हूँ जो इधर का मैनेजर है, मतलब जो इसे मैनेज कर रहा है हॉस्टल को। He just told me a way, like here. Oh God, this is so beautiful, ना? तो उसने बोला यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, तो आप वहाँ से जाओ और आप थोड़ा मार्केट में निकल जाओगे, थोड़ा आगे पहुँच जाओगे। But this place is freaking awesome. I have to click pictures, man.
चलो भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक करी है मैंने। इट्स नाउ रियली टाइम टू से गुड बाय दिस ब्यूटीफुल प्लेस। सोलो ट्रिप में पता सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि यू शुड नॉट गेट अटैच टू समवन, मतलब अटैच इन द सेंस कि किसी के साथ कुछ ऐसा मतलब दोस्ती वाला फील, ज़्यादा बॉन्ड बन जाएगा ना तुम्हारा, फिर जब तुम्हें जाना अलग अलग रास्ते है एंड वंस यू गो डिफरेंट ऑन योर वेज, तो तुम्हें बहुत दुख होगा यार कि वो बंदा मेरे साथ था, वो चला गया, अब मैं क्या करूँ। अंकल अरे बस यहीं पर रुकती है ना, तो अभी मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, देखते हैं थोड़ी बहुत देर में या तो बस आएगी जो चलती है ऐसे जब बंजार से सोजा के लिए, इसीलिए मैं सोजा की तरफ जा रहा हूँ अभी। हाँ अभी एक बस निकल के गई, वो सोजा की नहीं थी, उसने बोला कि पीछे एक सोजा की बस आ रही है, तो जब तक वो आती तब तक मैं वॉक करता हूँ। सो भीड़, अभी बज रहे हैं 2:15 और अब मैं आ चुका हूँ सोजा के अंदर। एंड दिस इज रियली रियली नाइस। पीछे जो आप देख रहे हो वो है हॉस्टलर, लोकल बस ने मुझे जो बस से आया था मैं डायरेक्टली उसने मुझे इसी के सामने उतारा, मेन रोड पे ही है। चलो चेक करते हैं अंदर, डॉर्म्स अवेलेबल है। सो गाइस अभी मैं हूँ सोजा के अंदर और आने के बाद तो मैं पहले सो गया सबसे पहली चीज़। अभी मेरे साथ है अमन भाई, ठीक है, ही इज़ इन द स्टाफ, हॉस्टलर के स्टाफ है, तो बहुत बढ़िया भाई, नेचर बहुत अच्छा है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सनसेट पॉइंट, कोई नाम है सनसेट पॉइंट का? इट्स अ प्लेस, वो कैफे है। हाँ फिरगुन, तो चलो फिरगुन जा रहे हैं। अच्छा पता है फरियाड़ी से ना मैंने मतलब पहली बार मैंने बहुत बड़ा ट्रैक किया एक्चुअली, मेरे लिए बड़ा था फरियाड़ी से सर्ची। सर्च ओ भाई जा ये तो लंबा है। क्या हुआ टाइम? अभी हो रहे 6 बज रहे एग्जैक्ट। You staying in Bhopal? No, I live here. Oh, you live here. Hi guys, good morning. कैसा लग रहा हूँ? तो अब मैं आ गया हूँ जीवी में, ठीक है। अरे यार मैं बार बार ठीक है बोलता हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ अपने। अच्छा जीवी में जीवी वाटरफॉल और ये मिनी थाईलैंड करके एक जगह है, और इनके अलावा कुछ और है मतलब ऐसे? और और